नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। बकाए भुगतान को लेकर 9 माह से वेंडर्स लगातार जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर निष्कर्ष शून्य ही निकला। लगभग 7 करोड़ के बकाए भुगतान को लेकर विभाग के पदाधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। पूरे जिले के लगभग 20 से 25 की संख्या में वेंडर्स वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय में जरूरत के सामान, राशन, सब्जी, दूध, कपड़ा उपलब्ध करा रहे हैं, पर पिछले 9 महीने से विभाग द्वारा इनकी सामग्रियों का भुगतान नहीं करने से इनके समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि महाजन अब इनके साथ लगातार हाथापाई और केस करने की धमकी देने लगे हैं, पर विभाग इनकी सुन नहीं रही है। पूर्वी सिंहभूम के जी में सब वेंडर है। हम लोग का मार्च तक का टेंडर होता है, जो हमने टेंडर कंप्लीट किया है, क्योंकि सरकार को मार्च में पैसा देना चाहिए। आज अगस्त आ गया है, हमें एक रुपया नहीं मिला है। हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि घर छोड़ने पर हम मजबूर हैं। पिछले 4 महीने से विभाग से खाली आश्वासन मिल रहा है कि ये महीना पैसा आ जाएगा, वो महीना पैसा आ जाएगा। सब राशन में 25 लाख है, दूध सब्जी में 10 लाख है, मांसाहार में 5 लाख है, कपड़ा में 15 लाख है। कुल मिला के 25 से 30 वेंडर है, 7 करोड़ के लगभग बकाया है। सर, ऊपर किसी से बात की है, बोले पेमेंट आ जाएगा। वेंडर्स बकाए भुगतान को लेकर इतना परेशान है कि आत्महत्या तक की बात उनके द्वारा कही जा रही है। वहीं अपनी समस्या को मीडिया के समक्ष रखते हुए सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सामग्री देने के लिए 1 वर्ष का करार विभाग द्वारा होता है, जहां मार्च में इनका भुगतान होता है, पर अब तक इनका भुगतान नहीं होने से ये सभी मानसिक तनाव में जी रहे हैं, घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, कई बार चक्कर लगाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पैसा बाजार में बहुत उधारी हो गया है, जिसके चलते जितना महाजन है सब तकादा पे है, और महाजन को आश्वासन 3-4 महीने से दे ही रहे हैं कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। लास्ट में वो लोग जान मारने तक का धमकी दे दिया है कि बोला है कि अब नहीं देंगे तो जान मार देंगे। ऐसे ऐसा बहुत फलाना चला तो बात हो रहा है। क्या हुआ, अंदर से तो मिल गया है, बोलते हैं कि अब 3 महीने से बोला जा रहा है कि आ जाएगा, इस महीना आ जाएगा, इस महीना आ जाएगा। फिर अब देखिए 4th महीना हो गया, अभी तो कुछ आया नहीं। यही हाल रहा तो हम लोग सब आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कर एक रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। साथ ही इतनी बड़ी रकम के संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हाल ही में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, रिपोर्ट के आधार पर ही वे काम करेंगे। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।